पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 29 अक्टूबर को लखनऊ से निकाली गई चेतना रथ यात्रा का शनिवार को महानगर में जोरदार स्वागत हुआ। पुरानी पेंशन बहाली अभियान के अंतर्गत एसपी तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चेतना रथ यात्रा विकास भवन गोरखपुर के प्रांगण में जिला अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्रा, मंत्री आनंद कुमार राय और भारतेंदु यादव के नेतृत्व में गोरखपुर के कर्मचारियों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में आनंद राय, संजय राज सिंह, त्रिपुरारी दुबे, कमलेश पांडे, आर के निगम, दिनेश मणि, अमरेंद्र शाही सहित भारी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के जिला अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्रा और राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त संघर्ष संचालन समिति एसपी तिवारी ने कहा, आज हमारे पास पुरानी पेंशन नहीं है, दिनेश मणि मिश्र अध्यक्ष संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 उत्तर प्रदेश गोरखपुर। कर्मचारियों शिक्षकों का संयुक्त संगठन है संयुक्त संघर्ष संचालन समिति, जिसके आदरणीय अध्यक्ष हैं श्री एसपी तिवारी जी। यह लखनऊ से चेतना यात्रा हमारी चली है, रथ चेतना यात्रा। यह चेतना यात्रा पूरे उत्तर भारत का दौरा करने के बाद 14 नवंबर को यह चेतना यात्रा जब समाप्त होगी तो 20 दिसंबर को हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश स्तर पर इको गार्डन में प्रदर्शन करते हुए सरकार के कामकाज को ठप करने की चेतावनी देंगे। आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष श्री एसपी तिवारी जी के नेतृत्व में हमारी मूल मांग है, सिंगल एजेंडा है कि किसी भी दशा में हम शिक्षकों और कर्मचारियों का पुराना पेंशन बहाल होना चाहिए। मैं एसपी तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद तथा अध्यक्ष संयुक्त संचालन समिति, यह रथ यात्रा हमारी 29 तारीख से चला है और 29 लखनऊ से हम बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर और होते हुए उधर बहराइच से होते हुए इधर आ रहे हैं और श्रावस्ती बलरामपुर रूट। देखिए, हमारी मांग बहुत साफ है कि एक जनवरी 2004 से केंद्रीय सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 से लागू कर दिया है। हम पुरानी नई पेंशन को जो है उसको स्वीकार नहीं करेंगे और पुरानी पेंशन के लिए हमारा यह यात्रा चला है। अभी कुछ संगठनों ने आंदोलन किया करने का वो दिया था, महाहड़ताल किया था और उन लोगों ने उसको वापस ले लिया और इससे पूरे प्रदेश के कर्मचारी मायूस हो गए हैं और उनको ये लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है और उनके हृदय में जो मायूसी है उसको दूर करने के लिए कर्मचारी शिक्षक चेतना रथ हमारा चल रहा है। लगातार हम 4 तारीख को मऊ में ये प्रथम चरण समाप्त करेंगे और इसके बाद 10 नवंबर से फिर हमारा दूसरा चरण शुरू होगा और 14 दिसंबर तक रथ यात्रा पूरे प्रदेश में घूमेगा और कर्मचारियों और शिक्षकों को जन जागृति करेगा और 20 दिसंबर को
हम इको गार्डन इको पार्क में लखनऊ में बहुत विशाल आम सभा करेंगे, रैली करेंगे और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि उस 20 दिसंबर के पहले ही पुरानी पेंशन की घोषणा कर दो, अन्यथा हम सरकार के सारे कामकाज ठप कर देंगे और सरकार को चलने नहीं देंगे।